Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो बच्चों, बात करते हैं कि जामिया में टॉप कैसे करें। ये एक थोड़ा सा मतलब ये टॉपिक अजीब सा लग रहा है कि एग्जाम के पहले कैसे बता सकते हैं कि टॉप कैसे करें, बट ऐसा डेटा लिया है और 2000 का ऐसा डेटा लिया है एक्यूरेट एग्जैक्ट कि टॉप 50 कितने रैंक पे लगती है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पेपर बिल्कुल सिमिलर आता है, उसी कंडीशन में आता है और लगभग टैलेंसी एक साल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो अगर आपके पास एग्जैक्टली डेटा है पिछले साल का, तो आप उस आधारित और उस इंफॉर्मेशन से कॉन्फिडेंस होके आप एग्जाम देंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं टॉपर से बात करके दिया गया है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जाएंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जामिया वाले स्टूडेंट तो जरूर बने रहें, उनके लिए तो वाकई में ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जामिया टॉप कैसे करें, तो हम लोग डेटा जो लिया गया है वो स्टूडेंट्स और लास्ट के टॉपर से लिया गया है। तो हम बात करेंगे कि ऑल इंडिया सेकेंड रैंक पिछली बार कितने पे लगी, तो उन्होंने अटेम्प्ट किए 88। पहले आपको पेपर पैटर्न बता देते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स मिलेगा आपको, और करेक्ट क्वेश्चंस होंगे उसका जो नंबर मिलेगा वो 1 मिलेगा, और इनकरेक्ट के लिए माइनस होगा 0.25, यानी कि 1/4 होगा, बट ये 4 गुना नहीं होगा, 1 गुना होगा। तो अब बात करते हैं कि टोटल कितने मार्क्स अचीव किए सेकेंड रैंक पे। एक बात और बता दें कि लगभग अगर बराबर भी आपके नंबर होते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड रैंक बनने में या कोई भी रैंक वेरिएशन में एज फैक्टर भी आपका काम करता है। डेट ऑफ बर्थ जो जितना छोटा होगा रैंक उसकी इम्प्रोवाइज होगी, एक ये भी मानक वो रखते हैं। तो अब टोटल आए 88 अटेम्प्ट किए गए, 78 सही थे, करेक्ट मतलब 78 सही थे, तो 78 × 1 = 78 होने चाहिए। 10 क्वेश्चन गलत किए, यानी कि इफिशियंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तब भी हम 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 नेगेटिव जाएंगे, तो 78 से 2.5 नेगेटिव करेंगे तो 75.5, यानी कि 75.5 लगभग अगर 76 क्वेश्चन अगर सही करते, अगर लगभग 76 क्वेश्चन जिससे सही किए होंगे, 76 या 75 प्लस सही किए होंगे वो टॉपर बन गया होगा। ये बात है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, यानी 76 सही तो टॉपर बना होगा या 78 सही, तो ये है टॉपर का आंकड़ा कि 100 में आप 75 प्लस रखिए। अब बात कर रहे हैं ऑल इंडिया 10 रैंक, जिसकी 10 रैंक थी उसने 72 अटेम्प्ट किए, 72 सही की अटेम्प्ट किए, 67 उसके सही थे, इफिशियंसी यानी एक्यूरेसी ज्यादा था, स्पीड कम रही। तो आप टोटल बात कर रहे हैं 72 × 1 = 72 टोटल आने चाहिए, बट नेगेटिव हो गए 5, तो 5 का 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25, ओवरऑल 70.75 आया, 75.5 और 70.75 थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब 5 नंबर के डिफरेंस से 2 से कहां पहुंचे 10 पे, यानी कि नेगेटिव। और एक्यूरेसी स्पीड दोनों बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इन्होंने स्पीड नहीं मेंटेन कर पाई, एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन की, और इन्होंने स्पीड मेंटेन की, एक्यूरेसी हुई, एक्यूरेसी गड़बड़ हुई बट स्पीड ज्यादा थी। अब बात कर रहे हैं कि इन्होंने स्पीड को मेंटेन कर लिया, 81 अटेम्प्ट कर दी, मतलब इनसे भी ज्यादा पहुंच गए और लगभग ऐसे पहुंचे, मगर करेक्ट कितने हुए 61। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गलत क्वेश्चंस कितना फर्क डालते हैं और स्पीड ना हो तो भी कितना फर्क पड़ता है, तो दोनों बातों को ध्यान देना होगा। तो अब बात करना है 61 इनके टोटल आने चाहिए थे, मगर 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, माई गॉड, 20 क्वेश्चन का 0.25 से करोगे तो 5 नंबर और कट जाएंगे तो 56, तो टोटल मार्क्स आए 56, तो रैंक बनी 32, तो कितना फर्क आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि लास्ट जो टॉप 50 रहा होगा वो 45 प्लस पे बना है, तो 45 प्लस पे हमने दिखाया भी है, जामिया के और वीडियोस भी अपलोड किए हैं जहां पर बताया है कि अगर आप 45 प्लस हैं तो फर्स्ट लिस्ट में आएंगे, और ये फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इनका क्या चक्कर है, इसको भी आप जामिया के रिलेटेड वीडियोज में आप देख सकते हैं, हम जामिया पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना एक्यूरेट है और कितना इससे मोटिवेट हुए, आपको 45 प्लस मार्क रखने हैं सिलेक्शन के लिए, तो ये उन सारे लोगों के लिए और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो थोड़ा परेशान है, मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। अभी भी 13 जून टाइम है, अच्छा कर सकते हैं, आप नेगेटिव मत करिए, ये एग्जांपल से सीखिए कि आपको ज्यादा नहीं करने, गलत नहीं करने, और इस एग्जांपल से सीखिए कि एक्यूरेसी और थोड़ी मेंटेन रखनी है और ज्यादा नहीं करने, तो हर एक एग्जांपल टॉप 10 और ऑल इंडिया फर्स्ट या सेकेंड रैंक और टॉप 50 कैसे बनती है, इस वीडियो में मैंने जामिया के लिए क्लियर कट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किस बात के लिए रुके हैं, कुछ हमारा भी मोरल और मोटिवेट, मुझे मोटिवेट कर दीजिए और फीडबैक दीजिए कि ऐसे कौन से वीडियो और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हर एक बात को फैक्ट के साथ रखेंगे, कोई भी हमारा इसमें छेड़छाड़ नहीं थी, ये
दो बातों को बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये प्लेटफॉर्म जहां तक जिसके वजह से आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची और उन सारे बच्चों को क्रेडिट जाता है, उनके लिए स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कन्वर्सेशन के थ्रू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी। केवल हम मीडिया में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो दोनों के लिए अप्रिशिएशन इस चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब कर लिए, उन बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहें, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाएं। तो आप लाइक शेयर और जो भी हो वो कर सकते हैं तो करिए जरूर, और लोगों तक पहुँचाइए इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक।